हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, और मेरे जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनसे भी आपको हेल्प मिल रही होगी फॉर योर एग्जामिनेशन। तो चलिए फिर हम आज का लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास, एंड दिस इज द नाइन्थ लेक्चर। ये हमारा नाइन्थ लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं कि ये जो चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसमें हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो हम इसमें पढ़ चुके हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल एंड प्योर साइंस के प्रिंसिपल में क्या डिफरेंस है, डेरिवेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक एंड सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हम पढ़े थे लेक्चर 5 एंड 6 में, और उसके बाद लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया था, दैट इज फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, फ्यूल का कंट्रीब्यूशन समझा था कि हेनरी फ्यूल तो सबसे पहले है कौन, ये सब देखा था, फिर उनका कंट्रीब्यूशन क्या है मैनेजमेंट थ्योरी में, प्लस उन्होंने जो 14 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स दिए थे वो हमने डिटेल में समझा था। ठीक है, एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी इज गिवन बाई F.W. टेलर, जिन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहते हैं, इन्होंने दिया था। तो इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, इन्होंने क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में, प्लस इन्होंने कुछ प्रिंसिपल दिए थे। इन्होंने 4 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स दिए थे। ठीक है, हेनरी फ्यूल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, और ये जो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है F.W. टेलर, इन्होंने 4 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स दिए थे। ठीक है, तो वो 4 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। ये है वो 4 प्रिंसिपल। सबसे पहला क्या है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो ये 4 इन्होंने प्रिंसिपल दिए थे, इनको आज के लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और अगले लेक्चर में मैं आपको टेक्निक बताऊंगी। इन्होंने 7 इंपॉर्टेंट टेक्निक भी दी थी साइंटिफिक मैनेजमेंट की। ठीक है, F.W. टेलर ने 4 प्रिंसिपल दिए थे, 7 टेक्निक दी थी। ठीक है, तो प्रिंसिपल जो 4 प्रिंसिपल थे वो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे, और जो टेक्निक्स हैं वो मैं अगले लेक्चर में इसको कवर करूंगी। ठीक है, तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। F.W. टेलर एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। तो सबसे पहले तो ये जो F.W. टेलर हैं, जिन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं, इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक विल्सो टेलर। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है, फ्रेडरिक विल्सो टेलर। ही वाज एन अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर। ये एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे जिन्होंने एज एन अप्रेंटिस ज्वाइन की थी ये ऑर्गेनाइजेशन, बेथलेम स्टील कंपनी, जो यूएसए की एक फेमस स्टील कंपनी थी बेथलेम स्टील कंपनी, ये उन्होंने ज्वाइन की थी एज एन अप्रेंटिस, और धीमे धीमे प्रमोशन होकर ये चीफ इंजीनियर बने। ठीक है, तो इन्होंने एक लंबे समय 26 साल इस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया था, और इन्होंने वहां पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, अपने जो भी आइडियाज थे उनसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है, ऑब्जर्व की चीजें, और फिर उन्होंने थ्योरी डेवलप की साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। ठीक है, तो और ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी डेवलप की, इसके जो भी प्रिंसिपल, जो भी टेक्निक, जो भी इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, एक्सपेरिमेंट किया, वो सब इन्होंने इस फैक्ट्री में अप्लाई भी किया, जिससे इन्होंने कह लीजिए उस फैक्ट्री का पूरा जो सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन था इसको कम्प्लीटली रीशेप कर दिया। ठीक है, तो ये F.W. टेलर थे। अब जरा देखते हैं शॉर्ट में कि इनका कंट्रीब्यूशन क्या था, इनका कंट्रीब्यूशन क्या था मैनेजमेंट थ्योरीज में। तो सबसे पहला जो, तो 3 इनके मेन कंट्रीब्यूशन थे। सबसे पहला इनका मेन कंट्रीब्यूशन क्या था, ही वाज द फर्स्ट वन, ये पहले थे जिन्होंने एम्फेसिस किया था ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंटिफिक अप्रोच। ये पहले थे जिन्होंने कहा था कि हमें जो मैनेजमेंट की जो डिफरेंट प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट के जो डिफरेंट फंक्शन है, ऑर्गेनाइजेशन के जो फंक्शन है, उनको परफॉर्म करने के लिए साइंटिफिक अप्रोच यूज करना चाहिए, रादर देन हिट एंड ट्रायल मेथड। कोई हिट एंड ट्रायल मेथड यूज नहीं करना चाहिए, साइंटिफिक अप्रोच यूज करना चाहिए। तो ये पहले थे जिन्होंने इस बात पे स्ट्रेस किया था। दूसरा इनका कॉन्ट्रीब्यूशन ये था कि इन्होंने 2 फेमस बुक्स लिखी थी मैनेजमेंट की, 2 फेमस बुक्स लिखी थी। एक बुक का नाम है शॉप मैनेजमेंट, दूसरी बुक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो इन दोनों बुक में इन्होंने अपनी जितने भी आइडियाज, एक्सपेरिमेंट और जो भी इनकी नॉलेज थी, ये पूरी इन्होंने इस बुक में रिकॉर्ड की है। तो ये जो बुक्स हैं, ये इनका एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, राइट। और इन्हीं सब कॉन्ट्रीब्यूशन के कारण इनको कहा जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये जो F.W. टेलर है, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। MCQs में बहुत पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट कौन है, हेनरी फ्यूल, जिन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है, F.W. टेलर। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें हेनरी फ्यूल लिख देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ही क्लियर रखिएगा। तो ये 3 इनके मेन कॉन्ट्रीब्यूशन थे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बताती हूँ ये साइंटिफिक मैनेजमेंट होता क्या है।
तो देखिए, ये जो वर्ड है साइंटिफिक मैनेजमेंट, दो चीजों से मिलकर बना है। नाम से ही खैर समझ में आ रहा है, साइंटिफिक प्लस मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट के जो डिफरेंट फंक्शन है, डिफरेंट टास्क हैं, ठीक है, उनको परफॉर्म करने के लिए साइंटिफिक, सिस्टमैटिक, ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल जब प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक का यूज किया जाए तो उसको कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या कहता है कि जो मैनेजमेंट के डिफरेंट टास्क हैं, मैनेजमेंट के डिफरेंट फंक्शन हैं, ठीक है, उनको परफॉर्म करने के लिए साइंटिफिक मेथड, सिस्टमैटिक मेथड, ऑब्जेक्टिव मेथड, लॉजिकल प्रिंसिपल एंड टेक्निक का यूज करना चाहिए। दिस इज साइंटिफिक मैनेजमेंट, राइट। ये कहता है कि भाई देखिए, यहाँ पे दोबारा मैंने वही बात लिखी है कि हर एक एलिमेंट, जो मैनेजमेंट के हर एक एलिमेंट है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, जो भी मैनेजमेंट के एलिमेंट्स हैं, जो भी मैनेजमेंट के टास्क हैं, उन सब में साइंस अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। देयर शुड बी एन एप्लीकेशन ऑफ साइंस, ठीक है। और इस ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, इसमें एक बात पे और स्ट्रेस किया गया कि देयर इज ऑलवेज वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ वर्क, यानी हर काम को करने के लिए देयर इज अ वन बेस्ट वे, एक बेस्ट तरीका होता है, और उसी बेस्ट वे को फाइंड आउट करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, और उसी बेस्ट तरीके से काम को करना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ने का क्या मतलब है कि आउटपुट क्या होगा, ज्यादा है ज्यादा, और जो एफर्ट लगेगा, जो इनपुट लगेगा, जो कॉस्ट लगेगी, जो टाइम लगेगा, दैट वुड बी मिनिमम, ठीक है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में इस बात पे भी स्ट्रेस किया गया कि देयर इज ऑलवेज वन बेस्ट वे, यानी हर काम को करने का एक बेस्ट तरीका होता है, तो उसे फाइंड आउट करना चाहिए और काम उसी बेस्ट वे को यूज करके करना चाहिए, ठीक है। और इन्होंने ये जो एफ डब्ल्यू टेलर थे, इन्होंने इवन ये जो बेथलेम स्टील कंपनी जहाँ पे इन्होंने काम किया था लंबे समय, और सारे एक्सपेरिमेंट, सारे ऑब्जर्वेशन, जो भी अपनी थ्योरी थी वो वहीं पे अप्लाई की थी, तो उन्होंने अपनी थ्योरीज को अप्लाई करके जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोडक्शन है उसको थ्री फोल्ड कर दिया था, तीन गुना बढ़ा दिया था, ठीक है, डबल भी नहीं, थ्री फोल्ड कर दिया था, इन प्रिंसिपल्स, इन टेक्निक को यूज करके। तो वही प्रिंसिपल्स आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एफ डब्ल्यू टेलर ने जो प्रिंसिपल, जो टेक्निक, जिसको यूज करके उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी तीन गुना बढ़ा दिया था, वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में मैंने बताया था कि हम चार प्रिंसिपल पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है वो चार प्रिंसिपल, एक एक करके चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इनका प्रिंसिपल क्या था कि ये साइंस है, ठीक है, नॉट रूल ऑफ थंब, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तो सबसे पहला प्रिंसिपल क्या कहता है कि देयर शुड बी साइंटिफिक स्टडी। सबसे पहला प्रिंसिपल कहता है कि साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए, साइंटिफिक एनालिसिस होना चाहिए ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ जॉब, यानी जो भी टास्क है उसके हर एक एलिमेंट की साइंटिफिक स्टडी करनी चाहिए, उसका एनालिसिस करना चाहिए। रूल ऑफ थंब या जो हिट एंड ट्रायल मेथड है ना, इट शुड नॉट बी यूज, उसको रिप्लेस कर देना चाहिए। पहले क्या था, पहले जब इतनी बहुत पहले जब इतनी नॉलेज 70s के टाइम में जब इतनी नॉलेज नहीं थी, इतनी थ्योरीज नहीं थे, इतने रिसोर्सेज नहीं थे, तब हिट एंड ट्रायल मेथड यूज होता था। कोई भी काम करने के लिए उस काम को करके ट्राई किया जाता था कि वो काम हो रहा है कि नहीं, नहीं हुआ तो दूसरा मेथड यूज करते थे, ठीक है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड यूज होता था, ठीक है, एंड रूल ऑफ थंब यूज होता था। बट ये जो एफ डब्ल्यू टेलर हैं, इन्होंने क्या कहा कि नहीं, किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी जॉब, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए देयर शुड बी साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक स्टडी करना चाहिए एंड एनालिसिस करना चाहिए, हर टास्क का एनालिसिस करना चाहिए कि कौन सा बेस्ट वे है उस टास्क को करने का, कौन सा बेस्ट वे है, और उसी तरीके से उस टास्क को परफॉर्म करना चाहिए, ठीक है। इन्होंने बिलीव किया था कि देयर, ये मैं लास्ट स्लाइड में ही बता चुकी हूँ कि उन्होंने बिलीव किया था, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में बिलीव किया जाता है कि देयर इज ऑलवेज वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज इफिशियंसी, यानी इफिशियंसी को बढ़ाने का देयर इज ऑलवेज वन बेस्ट मेथड, यानी हमेशा एक बेस्ट तरीका होता ही होता है, और वो बेस्ट तरीके को फाइंड आउट करना चाहिए यूजिंग साइंटिफिक अप्रोच। साइंटिफिक अप्रोच यूज करके उस बेस्ट तरीके को फाइंड आउट करें और वही बेस्ट मेथड यूज करें ऑर्गेनाइजेशन में उस टास्क को परफॉर्म करने में, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे हर टास्क को परफॉर्म करने के लिए देयर इज ऑलवेज सम स्टैंडर्ड टाइम, यानी कोई भी टास्क है उसको परफॉर्म होने में क्या स्टैंडर्ड टाइम लगता है, ठीक है, एंड क्या स्टैंडर्ड वे है, क्या स्टैंडर्ड मेथड है, ये फाइंड आउट करने की जरूरत है। साइंटिफिक मैनेजमेंट में कहा गया है कि हर काम को करने का एक स्टैंडर्ड टाइम होता है, यानी वो काम मतलब स्टैंडर्ड, यानी इतने घंटे में फिनिश होगा, ठीक है। तो हर काम को करने का एक स्टैंडर्ड टाइम होता है, स्टैंडर्ड मेथड होता है, स्टैंडर्ड तरीका होता है, तो इस स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड मेथड को एनालाइज करने की जरूरत है, ठीक है। और जो चला आ रहा, जो हमारा रूल ऑफ थंब एंड हिट एंड ट्रायल मेथड, इट शुड बी रिप्लेस, उसे रिप्लेस करने की जरूरत है। जो ट्रेडिशनल मेथड चले आ रहे हैं उनको रिप्लेस करने की जरूरत है,
ठीक है, जो ट्रेडिशनल मेथड है उसे इन्वेस्टिगेट करें, ठीक है, थोड़ा वर्क एंड स्टडी, यानी वर्क स्टडी, जो भी वर्क है, जो भी टास्क परफॉर्म किया जा रहा है उसको स्टडी करें, ट्रेडिशनल मेथड को स्टडी करें, और फिर डेवलप करें स्टैंडर्ड मेथड ऑफ वर्क, यानी किसी भी काम को करने का बेस्ट तरीका क्या है, ये हम साइंटिफिक तरीके से फाइंड आउट करें, और वही तरीका फिर हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में यूज करना चाहिए, ठीक है। ये बात उन्होंने कही थी पहले प्रिंसिपल में कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यानी रूल ऑफ थंब नहीं यूज करें, साइंस यूज करें, साइंटिफिक मेथड यूज करें, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। अगला जो प्रिंसिपल है, सेकंड प्रिंसिपल है, दैट इज हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड, ठीक है। वैसे ये नाम से ही समझ में आ रहा है, हार्मोनी मतलब क्या होता है, हार्मोनी मतलब होता है कि तालमेल, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉइज हैं उनके बीच में क्या होनी चाहिए, तालमेल, ठीक है। नॉट डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड मतलब क्या है, डिसएग्रीमेंट यानी आर्ग्यूमेंट, डिसएग्रीमेंट कह लीजिए चाहे कह लीजिए, आर्ग्यूमेंट यानी जो एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज बेसिकली टॉप मैनेजमेंट एंड वर्कर की यहाँ पे बात हो रही है, मैनेजमेंट एंड वर्कर की बात हो रही है, जो मैनेजमेंट एंड वर्कर जो है उनके बीच में हार्मोनी, एक तालमेल, एक पीसफुल इन्वायरमेंट होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, कोई डिसएग्रीमेंट या आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए। देखिए जो फैक्ट्री सिस्टम होता है, ठीक है, वहां पे जो मैनेजर होता है ही एक्ट एज अ लिंक बिटवीन वर्कर, मैनेजर का काम क्या होता है, वर्कर से काम करवाना, और ये होते हैं ओनर, ठीक है, ये है ओनर और ये है वर्कर, ठीक है, ये है ओनर, ये है वर्कर, और जो मैनेजर होता है ये बीच की एक लिंक होती है बिटवीन ओनर एंड वर्कर, और मैनेजर का काम होता है वर्कर से काम करवाना, ठीक है, अगर हम फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन की बात करें। तो ये जो मैनेजर है ना, इसे हमेशा क्या लग रहा होता है, मैनेजर को ये लगता है कि हम ज्यादा पे कर रहे हैं वर्कर को हमेशा ज्यादा पे हो रहा है, वर्कर उस हिसाब से काम नहीं कर रहा है, और वर्कर को हमेशा क्या लगता है कि ही इज अंडर पेड, उसे अंडर पे किया जा रहा है, वो काम ज्यादा कर रहा है, उसके हिसाब से उसको सैलरी नहीं मिल रही है। तो देयर इज ऑलवेज सम चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, तो हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बने रहते हैं कि मैनेजमेंट को लगता है वर्कर नहीं काम कर रहा, वर्कर को लगता है कि मैनेजमेंट उसको प्रॉपर सैलरी नहीं दे रही, तो देयर इज अ चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। तो इसीलिए एफ डब्ल्यू टेलर ने ये थ्योरी, ये प्रिंसिपल दिया था कि देयर शुड बी हार्मोनी यानी पीसफुल एनवायरमेंट होना चाहिए बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर के बीच में, डिस्कॉर्ड यानी डिसएग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने यही कहा था कि देयर शुड बी कंप्लीट हार्मोनी, एक कंप्लीट पीसफुल एनवायरनमेंट होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर समझ होनी चाहिए बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर, जो टॉप मैनेजमेंट है और वर्कर के बीच में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उन दोनों को मिलकर काम करना चाहिए टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन गोल, तभी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा जब दोनों मिलकर काम करेंगे, मैनेजमेंट और वर्कर, ठीक है। और ये जो एफ डब्ल्यू टेलर ने टेलर थे, इन्होंने इस बात पे भी स्ट्रेस किया कि हारमोनियस रिलेशनशिप कब होगा, व्हेन देयर विल बी मेंटल रिवॉल्यूशन, ये खास टर्म है, व्हेन देयर विल बी मेंटल रिवॉल्यूशन, यानी जब मेंटल रिवॉल्यूशन होगा, यानी जब कंप्लीटली चेंज होगा मेंटल आउटलुक, यानी जब मेंटल आउटलुक में मैनेजमेंट भी एंड वर्कर भी, जब अपना जो भी मानसिक स्थिति है, जो जो भी उनकी सोच है, जो भी एटीट्यूड है, जब वो कंप्लीटली चेंज करेंगे अपने मेंटल आउटलुक को, तभी मेंटल रिवॉल्यूशन हो सकता है। तो इन्होंने मेंटल रिवॉल्यूशन पे स्ट्रेस किया था, इन्होंने कहा था ये जो अपोजिशन वाला एटीट्यूड है ना, कि वर्कर टॉप मैनेजमेंट के किसी भी डिसीजन का अपोज करे, टॉप मैनेजमेंट वर्कर के डिसीजन का अपोज करे, तो ये जो एटीट्यूड है अपोजिशन का, इट शुड बी गिव अप, वो छोड़ देना चाहिए, एंड देयर मतलब जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें एक पॉजिटिव फीलिंग, पॉजिटिव एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन में बिल्डअप करना चाहिए, ठीक है। और ये तभी बिल्डअप हो पाएगा जब जो एम्प्लॉयज हैं, जो एम्प्लॉयज या कह लीजिए पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लोग हैं, व्हेन दे चेंज देयर थिंकिंग, जब वो अपनी थिंकिंग, जब अपनी सोच को चेंज करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, जो वर्कर हैं वो ट्रेड यूनियन बनाना और स्ट्राइक पे जाना ये सब नहीं सोचेंगे, अच्छे से मिलके काम करेंगे, ठीक है। बेसिकली जब मैनेजमेंट और वर्कर दोनों का जब इंटरेस्ट सेम होगा ना, ठीक है, मैनेजमेंट एंड वर्कर दोनों का जब इंटरेस्ट सेम होगा, तभी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर पाएगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल एक देते हैं, एग्जाम्पल है अगर सपोज करिए मैनेजमेंट एंड वर्कर दोनों अगर प्रॉफिट को लेके झगड़ा करते रहेंगे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट को लेके अगर झगड़ा करते रहेंगे, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन ग्रो पाएगी, नहीं ग्रो पाएगी। अगर मैनेजमेंट एंड वर्कर दोनों अगर मिलके ये सोचे कि इस प्रॉफिट को इंक्रीज कैसे करना है, ये जो प्रॉफिट है इसको इंक्रीज कैसे करना है, इसके लिए अगर ये काम करें, ठीक है, तब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो पाएगी,
ठीक है, वर्कर को ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम करना चाहिए, ठीक है, पॉजिटिविटी के साथ काम करना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट रेज करे, और जो मैनेजमेंट है उसको ये प्रॉफिट वर्कर के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो दोनों अपना रोल प्रॉपरली अगर प्ले करेंगे तो देयर विल बी हार्मोनी, एक पीसफुल हार्मोनियस रिलेशनशिप होगा और डिस्कॉर्ड नहीं होगा, डिसएग्रीमेंट नहीं होगा। तो ये इनका दूसरा प्रिंसिपल था, राइट। चलिए तीसरा प्रिंसिपल, वैसे प्रिंसिपल काफी इजी है, इनके नाम से ही समझ में आ रहा है। तीसरा प्रिंसिपल क्या है कि कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या होना चाहिए, कॉपरेशन होना चाहिए, आपस में लोग मिलके काम करें, ठीक है। देयर शुड बी कॉपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर, ये जो मैनेजमेंट है और वर्कर है इनके बीच में कॉपरेशन होना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए, यानी लोग अपने बारे में ना सोचें, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचें, कॉपरेशन से काम करेंगे तभी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, ग्रो कर पाएगी, ठीक। और ये जो कॉपरेशन एंड इंडिविजुअलिज्म है, दिस इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ जो सेकेंड प्रिंसिपल हमने पढ़ा था ना, हार्मोनी एंड नॉट डिस्कार्ड, उसी का एक्सटेंशन है, कॉपरेशन एंड इंडिविजुअलिज्म उसी का एक्सटेंशन है, ठीक है। इसमें उन्होंने कहा था कि कॉम्पिटिशन शुड बी रिप्लेस विद कॉपरेशन, यानी कॉम्पिटिशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो मैनेजमेंट है और जो वर्कर है आपस में होड़ करें, कंपटीशन करें कि कौन, कोई आर्ग्यूमेंट है, कोई फाइट अगर हुई या कोई भी डिसएग्रीमेंट हुआ तो उसमें कौन जीत रहा है, आपस में कंपटीशन ना करें, बल्कि कॉपरेशन, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें और कॉपरेशन से काम करें, ठीक है। और फिर इस प्रिंसिपल में उन्होंने एक बात ये भी कही थी कि मैनेजमेंट शुड परफॉर्म, मतलब जो मैनेजमेंट है उसको कौन सी स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट यूज करनी चाहिए। तो उन्होंने F.W. टेलर ने बोला कि मैनेजमेंट शुड यूज पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट मतलब, देखिए पैटर्नलिस्टिक मतलब होता है बीइंग फादर, यानी एक फादर की तरह, ठीक है, पिता की तरह जो स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट है वो यूज करनी चाहिए। जैसे एक फादर क्या करता है, फैमिली की केयर करता है, उसी तरीके से जो टॉप मैनेजमेंट है, जो ओनर्स हैं, दे शुड टेक केयर ऑफ देयर एम्प्लॉय, उन्हें अपने एम्प्लॉय की टेक केयर करनी चाहिए, एम्प्लॉय की नीड, उनकी क्या जरूरत है, ठीक है, उसका ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल में इस बात पे भी इम्फेसिस किया गया कि पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट यू मतलब अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो ये वो प्रिंसिपल था कॉपरेशन एंड इंडिविजुअलिज्म। इसमें एक बात और कही गई कि जो मैनेजमेंट है, ठीक है, उसे क्या करना चाहिए, उसे वर्कर को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, जो मैनेजमेंट है उसको वर्कर को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। कैसे, बाय गिविंग हिम सम डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, वर्कर को भी थोड़े डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वर्कर में भी कॉन्फिडेंस आए। तो मैनेजमेंट को इस टाइप की चीजें करनी चाहिए, कुछ कुछ एक्टिविटीज, कुछ कुछ फंक्शन ऐसे परफॉर्म करने चाहिए जिससे वर्कर में कॉन्फिडेंस आए, वर्कर में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आए, ठीक है। और जो वर्कर है उन्हें भी फिर स्ट्राइक करने के बारे में या अनरीजनेबल डिमांड करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो दोनों को आपस में कोऑपरेट करना चाहिए, मैनेजमेंट को वर्कर को कोऑपरेट करना चाहिए एंड वर्कर को मैनेजमेंट को कोऑपरेट करना चाहिए। तो आपस में कोऑपरेशन करना चाहिए, नॉट इंडिविजुअलिज्म, राइट। तो ये था तीसरा प्रिंसिपल। चलिए चौथे प्रिंसिपल पे चलते हैं। चौथा प्रिंसिपल क्या है, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, यानी वर्क डेवलपमेंट ऑफ वर्कर। देखिए मैं बता चुकी हूँ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किन से मिलके बनती है, ह्यूमन रिसोर्स से, ठीक है। एम्प्लॉयज ही तो ऑर्गेनाइजेशन, इवन जो ह्यूमन रिसोर्स है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट क्या है, वहाँ का ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होना चाहती है ना, तो बेसिकली अपने ह्यूमन रिसोर्स को अगर ग्रो करे, ठीक है, अपने ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करे, ठीक है, इन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, इनकी इफिशियंसी, अपने ह्यूमन रिसोर्स की इफिशियंसी बढ़ाए, तो ऑर्गेनाइजेशन की इफिशियंसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल में इसी की रिगार्डिंग बात की गई है, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर, वर्कर का डेवलपमेंट करें टू देयर ग्रेटेस्ट इफिशियंसी, यानी वर्कर अपनी ग्रेटेस्ट इफिशियंसी से काम करे, प्रॉस्पेरिटी से काम करे, इस पर काम करे ऑर्गेनाइजेशन। और अगर ऑर्गेनाइजेशन इस बात पर फोकस करती है ना, तो ऑर्गेनाइजेशन की इफिशियंसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ठीक है। यही बात देखिए यहाँ पे मैंने लिखी है, इंडस्ट्रियल इफिशियंसी डिपेंड अपॉन द पर्सनल कॉम्पिटेंसी, यानी किसी भी इंडस्ट्री की जो इफिशियंसी है, किसी भी कंपनी की जो इफिशियंसी है, किस पे डिपेंड करती है, पर्सनल कॉम्पिटेंसी, पर्सनल मतलब एम्प्लॉय की कॉम्पिटेंसी पे, इफिशियंसी ऑफ वर्कर पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी किस बात पे इंसिस्ट करता है कि डेवलपमेंट ऑफ वर्कर, वर्कर को डेवलप करो, वर्कर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, ठीक है, कि वर्कर ग्रेटेस्ट इफिशियंसी, अपनी मैक्सिमम इफिशियंसी से काम करे, ठीक है। और अगर वर्कर अच्छे से काम करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली ग्रो होगी। तो इस साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में इस बात पे स्ट्रेस किया गया है कि वर्कर शुड बी प्रोवाइडेड साइंटिफिक ट्रेनिंग, वर्कर को साइंटिफिक ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, वर्कर को सही तरीका बताओ कि किसी भी टास्क को बेस्ट तरीके से कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो साइंटिफिक ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए वर्कर्स को। और इसीलिए आपने देखा होगा आजकल बहुत सारी कंपनीज में जो एम्प्लॉयज हैं उनका टाइम टू टाइम क्या होता रहता है,
एम्प्लॉयज को सेमिनार्स वगैरह में, कंपनी बहुत सारे सेमिनार अपने यहाँ पे भी ऑर्गेनाइज करती है, नहीं तो एम्प्लॉयज को सेमिनार अटेंड करने के लिए अलग अलग जगह भेजती है। तो एम्प्लॉय की ट्रेनिंग पे आजकल हर कंपनी काम कर रही है ताकि एम्प्लॉय अपने मैक्सिमम पोटेंशियल से काम कर सके, एम्प्लॉय की इफिशियंसी बढ़े। और एम्प्लॉय की इफिशियंसी बढ़ेगी तो किसकी बढ़ेगी इफिशियंसी? ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, तो ये थे चार प्रिंसिपल। ठीक है, किसने दिए थे? FW टेलर ने। FW टेलर का पूरा नाम क्या है? फेडरिक विल्सो टेलर। ठीक है, और FW टेलर कौन थे? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ये था पूरा आज के लेक्चर का कंटेंट। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट की सेवन टेक्निक्स थी विच इज गिवन बाय FW टेलर। आज हमने क्या पढ़ा है? आज हमने चार प्रिंसिपल्स पढ़े। ठीक है, अगले टर्न पे मैं आपको सेवन टेक्निक्स पढ़ाऊंगी। ये है वो सात टेक्निक, राइट? तो तब तक ये वाला लेक्चर देख के रखिएगा, ठीक है, समझ के रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।